हेलो चैंपियंस कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं एंड दोस्तों मैं पीके मिश्रा आपका लेफ्ट स्कोर हंड्रेड में वेलकम करता हूं दोस्तों आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग करने वाले हैं और इसमें आप लोग जानते हैं फाइव मार्कर क्वेश्चन आ सकता है फाइव मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि एक्सप्लेन और डिस्कस द मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग इन मॉडर्न डेमोक्रेसीज या इस पे वन मार्कर क्वेश्चन भी आ सकते हैं वन मार्कर क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है कि जो वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है या हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है उसके लिए दूसरा टर्म क्या है इस तरीके से भी आ सकता है और इसमें से थ्री मार्कर क्वेश्चन भी आ सकता है थ्री मार्कर क्वेश्चन कैसे आ सकता है थ्री मार्कर क्वेश्चन जब आएगा तो वो इस तरीके से हो सकता है एक्सप्लेन और डिस्कस द हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग या एक्सप्लेन और डिस्कस हॉरिजेंटल कलावा दूसरा हमारा कौन सा है वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो इस तरीके से हमारा वन मार्कर भी हो सकता है थ्री मार्कर भी हो सकता है और फाइव मार्कर भी हो सकता है इसलिए यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है आइए हम लोग इसे डिटेल में पढ़ते हैं सबसे पहला हमारा जो मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है सबसे पहले है पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट हमारा पहला हो गया दूसरा क्या है पावर इज शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल जिसे हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं थर्ड हमारा क्या है थर्ड है हमारा पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हाँ वेल्जियम वाला कम्युनिटी गवर्नमेंट राइट इसमें जैसे फ्रेंच डच एंड जर्मन हम लोगों ने पढ़ा था एंड लास्ट यानी फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होती है पावर इज अमंग डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स आपने चलिए हम लोग इन चारों को डिटेल में पढ़ते हैं और समझते हैं आइए सो देर आर फोर एज वी ऑलरेडी डिस्कस देर आर फोर मेजर फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग एंड इसमें सबसे पहला है हमारा ज शेयर डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट तो दोस्तों आप लोग जानते ही है कि गवर्नमेंट के थ्री ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेचर यानी हमारा पार्लियामेंट आप लोग देख सकते हैं लेजिस्लेचर पार्लियामेंट हो गई नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे हर स्टेट में एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जो उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए ही लॉज बनाती है दूसरा गवर्नमेंट का कौन सा ऑर्गन होता है दूसरा ऑर्गन होता है एग्जीक्यूटिव एग्जीक्यूटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स आते हैं जो पार्लियामेंट हमारी जो लॉस बनाती है उसका इंप्लीमेंटेशन करते हैं राइट तीसरा ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है हमारा कोर्ट विच इज नेशनल लेवल पे क्या है सुप्रीम कोर्ट और हर स्टेट में अपना एक अलग हाई कोर्ट होता है कभी कभी टू स्टेट्स का एक हाई कोर्ट होता है जैसे पंजाब और हरियाणा दोनों का दोनों स्टेट्स का एक हाई कोर्ट है राइट तो ये मेजर थ्री थ्री ऑर्गन्स हो गए गवर्नमेंट uh, के राइट right? अब हम आगे देखते हैं पहला पॉइंट है इसका इसपे इसमें थ्री मार्कर क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं इसमें थ्री मार्कर क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन और डिस्कस द एक्सप्लेन और डिस्कस हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट तो इसे हम समझते हैं सो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट सच एज वी ऑलरेडी नो सच एज लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी अच्छा दोस्तों नॉर्मली जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट का मतलब हमें लगता है कि केवल मोदी गवर्नमेंट या जो पर्टिकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं राइट जैसे अरविंद केजरीवाल हो गए या योगी आदित्यनाथ हो गया जो हमारे हरियाणा के मिस्टर खट्टर हो गए तो गवर्नमेंट का मतलब हम लोग केवल एग्जीक्यूटिव ही समझते हैं तो गवर्नमेंट का मतलब केवल एग्जीक्यूटिव ही नहीं होता राइट अब मीडिया वाले भी बोलते हैं जैसे मोदी गवर्नमेंट या केजरीवाल गवर्नमेंट राइट इस तरीके से लेकिन गवर्नमेंट का मतलब केवल एग्जीक्यूटिव ही नहीं होता गवर्नमेंट में गवर्नमेंट के टू मेजर ऑर्गन्स और हैं जो हो गया हमारा नेशनल लेवल पर पार्लियामेंट हो गया एंड स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबलीज हो गई जो लॉ मेकिंग का काम करती हैं एंड कोर्ट्स आर ऑल्सो पार्ट ऑफ ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट ओनली राइट तो देखते हैं हम तो लेचर हो गया एग्जीक्यूटिव जुडिस्ट्री हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट होता है दैट इज ऑल्सो नोन एज हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग तो इसको हम हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं क्यों क्योंकि बिकॉज

पावर शेयरिंग है अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट इज ऑल्सो नोन एज हरिजेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ये वन मार्कर में आ सकता है नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं सच सच अ अ सेपरेशन सेपरेशन इंश्योर्स दैट नन नन ऑफ ऑफ द द ऑर्गन चाहे आपका लेजिस्लेचर हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे जुडिशियरी हो कैन एक्सरसाइज अनलिमिटेड पावर ईच ऑर्गन चेक्स एंड चेक्स द अदर्स दिस रिजल्ट इन अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग वेरियस इंस्टीट्यूशन अभी एक दूसरे को कैसे चेक करते हैं इसको दिस इज ऑल्सो नोन एज इसका एक तीसरा नाम भी है सिस्टम सिस्टम ऑफ ऑफ दिस इज नोन एज अ एंड सो बेसिकली हम लोग एक बार तो फिर से देखें जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उसके दो और नाम है दो दो कौन से नाम है एक तो दिस दिस इज ऑल्सो नोन एज है हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इसका दूसरा नाम है इसको ऐसे भी बोला जाता है अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस तो दोस्तों वन मार्कर को को ध्यान में रखते हुए काफी है तो इन तीनों टर्म्स अच्छा, पार्लियामेंट को right? ने, ने कोई एक ऐसा लॉ बनाया जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत बोलेगे कि यह लॉ नल एंड वाइड है ये लॉ प्रिवेल नहीं कर सकता ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है राइट right? उसी तरीके से आप देखिए सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है उसकी अपॉइंटमेंट एग्जीक्यूटिव करती है प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल एंड सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं चीफ जस्टिस एंड जो अदर जजेस होते हैं उनकी सैलरी कौन डिसाइड करता है उनकी सैलरी डिसाइड करती है लेजिस्लेचर तो बेसिकली हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक करता है और अनलिमिटेड पावर को एक्सरसाइज करने से रोकता है इसलिए हम उसको सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड यस यस या नाउ थर्ड पॉइंट इज वी नो दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स इसको हम देखते हैं या विद इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एक्सरसाइज आफ्टर ऑल जो पावर जो भी रूल्स एंड लॉज पार्लियामेंट बनाती है उसका एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली कौन करता है उसका एग्जीक्यूशन अल्टीमेटली मिनिस्टर्स करते हैं एंड या ऑफिसर्स करते हैं राइट लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सकते हैं अगर वो अपनी मनमानी वो अपनी मनमानी बिल्कुल नहीं कर सकता करते हैं तो कोर्ट उनको मना कर देगी कि इस तरह का लॉस इनवैलिड uh, uh, है क्यों क्योंकि वो पब्लिक के इंटरेस्ट के अगेंस्ट होगा राइट right? so फिर से पॉइंट देखते हैं वी नो दैट इन अ डेमोक्रेसी इवन दो मिनिस्टर्स एंड गवर्नमेंट एक्सरसाइज पावर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली ऐसा नहीं कि वो अपने मनमानी तरीके से काम कर सकते हैं अगर मान लीजिए कि एग्जीक्यूटिव नेशनल लेवल पे एग्जीक्यूटिव यानी प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसा काम करते हैं जो नेशन के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन अपोजिशन पार्टीज लाती हैं और अगर वो नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो गया तो प्राइम मिनिस्टर को और सारे मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा इमीडिएटली राइट right? तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करती है पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है पार्लियामेंट आइए अगला पॉइंट देखते हैं सिमिलरली ऑल दो जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाई द एग्जीक्यूटिव राइट अपॉइंटेड बाई एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव यानी, यानी एग्जीक्यूटिव अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस पास किया है जो पब्लिक वेलफेयर के अगेंस्ट है पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लाया है लाई है एग्जीक्यूटिव जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है राइट right? या पार्लियामेंट ने ऐसा कोई लॉ बनाया है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है उसको सुप्रीम कोर्ट इनवैलिड डिक्लेअर डिक्लेयर कर सकती है नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस तो इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि जो पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है उसको हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों कहते हैं तो इस, उसके आंसर में हम लोग ये थ्री पॉइंट्स लिख सकते हैं दीज थ्री पॉइंट्स आर द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन की इसको हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस क्यों बोलते हैं ये तीनों पॉइंट्स इसके आंसर में लिखे जा सकते हैं नाउ विल मूव टू द सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच टॉक्स अबाउट पावर इज शेयर्ड अमंग द गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स मीन्स नेशनल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई स्टेट लेवल पे स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं एंड सबसे थर्ड लेवल पे होते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत के नाम से जानते है। हैं आइए देखते हैं डिटेल में हम्म सो सेकेंड फॉर्म इज गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स आइए देखते हैं गवर्नमेंट्स डिफरेंट लेवल्स जैसे अगर मान लीजिए एंड दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग दिस सेकेंड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल पावर शेयरिंग इसको वर्टिकल क्यों बोलते हैं अब देखा हमने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करी है इसमें सबसे टॉप पे हमारा होता है सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया दूसरे नंबर पे आती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स एंड तीसरे नंबर पे आती हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं अर्बन एरियाज में अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज होती हैं एंड रूरल एरियाज में हमारे पंचायत होते हैं राइट अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉज बनाएगी दैट विल बी अप्लीकेबल टू द एंटायर कंट्री राइट स्टेट गवर्नमेंट जो लॉज बनाएंगी अब जैसे मान लीजिए हमारा ये हमारा राजस्थान राजस्थान की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो लॉ बनाए थे वो केवल राजस्थान में ही आ, उसका इंप्लीमेंटेशन होगा उसके बाद थर्ड लेवल पे आती है हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत आइए समझते हैं इसे फर्स्ट पॉइंट कहता है कि पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स जिसे हम लोगों ने ऑलरेडी देखा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स सो पावर कैन बी शेयर्ड अमंग गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल्स अ जनरल गवर्नमेंट अ जनरल गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट मोदी मोदी जी वाली गवर्नमेंट अ जनरल गवर्नमेंट और द फॉर द एंटायर कंट्री जैसे हम लोगों ने government, so पहले ही डिस्कस किया कि जो जनरल गवर्नमेंट है वो पूरी एंटायर कंट्री के लिए लॉस बनाती है या उसके लिए काम करती है सो जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल ये देखिए प्रोविंसियल लेवल पे है, जैसे अपना राजस्थान हो गया ये उत्तर प्रदेश हो गया उत्तराखंड हो गया ये अपना गुजरात हो गया महाराष्ट्र हो गया राइट तो ये रीजनल गवर्नमेंट्स हो गए या स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई सच जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री इज यूजली कॉल्ड वेट 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 जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री एंड गवर्नमेंट एट प्रोविंशियल और द रीजनल लेवल तो ये प्रोविंशियल एंड रीजनल लेवल पे गवर्नमेंट्स हो गए जो डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स हमारी सच अ जनरल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री यूजअली कॉल्ड फेडरल गवर्नमेंट यानी मोदी जी की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट भी हम इंडिया में बोलते हैं फेडरल वर्ड का इस्तेमाल कम करते हैं बट समझने के लिए हमको समझ सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन गवर्नमेंट को हम फेडरल गवर्नमेंट भी बोलते हैं इन इंडिया वी रेफर टू इट मीन फेडरल गवर्नमेंट को वी मोस्टली रेफर सेंट्रल और यूनियन गवर्नमेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया सेकेंड पॉइंट है द गवर्नमेंट्स एट द प्रोविंशियल और रीजनल लेवल यानी स्टेट गवर्नमेंट्स आर कॉल्ड बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट कंट्रीज अलग अलग कंट्रीज में इसे अलग अलग नाम से एड्रेस किया जाता है इन इंडिया वी कॉल देम स्टेट स्टेट गवर्नमेंट जैसे बोलते हैं ना उत्तर प्रदेश यूपी गवर्नमेंट एमपी गवर्नमेंट बिहार गवर्नमेंट इस तरह की टर्म हम लोग न्यूज में या अखबारों में न्यूज में सुनते रहते हैं अखबारों में पढ़ते रहते हैं राइट दिस सिस्टम इज नॉट फॉलोड इन ऑल कंट्रीज ये जो सिस्टम हमारे कंट्री में है कि भाई एक सेंट्रल गवर्नमेंट हो गए पूरे एंटायर कंट्री के लिए काम करते फिर रीजनल स्टेट गवर्नमेंट्स हो गए हर कंट्री में इस तरीके का अरेंजमेंट नहीं होता है दीज आर या देर आर मेनी कंट्रीज वेयर देर आर नो प्रोविंशियल और स्टेट गवर्नमेंट वहाँ पे प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट्स नहीं होती हैं नेक्स्ट विल नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन दोज कंट्रीज वेयर देर आर वेयर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारे यहां है सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द एंटायर कंट्री स्टेट गवर्नमेंट और रीजनल स्टेट गवर्नमेंट हो गए देन वी हैव लोकल सेल्फ गवर्नमेंट म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत सो इन दोज कंट्रीज वेयर देर आर देर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली लेज डाउन द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट यानी अब जैसे हम अपनी कंट्री की बात करते हैं हमारी कंट्री में आप लोगों ने जरूर पढ़ रखा होगा हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली मैंशन किया गया है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसकी क्या ड्यूटीज एंड फंक्शन होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट्स होंगी उनकी क्या ड्यूटीज पावर्स एंड फंक्शन होंगे और जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके इसकी भी व्यवस्था की गई कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स यानी जो पंचायत हैं या जो म्यूनिस्पैलिटीज हैं उनकी क्या उनके क्या पावर्स एंड फंक्शन होंगे या सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या होगा राइट right? तो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में होता है मैं जैसा कि हालांकि सेकेंड चैप्टर में ये डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ, बहुत ही क्लियरली लिखा हुआ है कि जो यूनियन लिस्ट की बात जैसे जैसे यूनियन 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 लिस्ट लिस्ट है में जितने भी हैं जैसे डिफेंस हो गया उस गवर्नमेंट लॉ बनाएगी उसके बाद स्टेट लिस्ट होती है स्टेट लिस्ट पे स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती हैं जैसे कि एजुकेशन हो गया या आप समझ लीजिए कि एग्रीकल्चर हो गया है ना तो उसको अभी हम डिटेल में सेकंड चैप्टर में समझेंगे अभी हम आगे बढ़ते हैं सो पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट दिस इज दे डिड इन बेल्जियम बेल्जियम में जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप लोगों को याद हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की ज्यादातर पावर रीजनल गवर्नमेंट्स को दे, दे दी गई थी ये आ, जो बेल्जियन मॉडल का जो एलिमेंट है हम लोगों ने उसमें पढ़ा था अगर आप लोगों को याद हो बट वॉज रिफ्यूज इन श्रीलंका आप लोगों को याद होगा कि जो श्रीलंकन तमिल्स थे उन्होंने बोला कि भाई जो द एरियाज यू नो श्रीलंकन तमिल्स आर इन मेजोरिटी जहां पर उनकी ज्यादा पॉपुलेशन है वहां पर उनको ऑटोनोमी दे दो लेकिन ये भी बात नहीं मानी गई थी इसलिए वहां पर सिविल वॉर हो गया दिस इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर तो जो दूसरा हम दूसरा फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग देखा हम लोगों ने गवर्नमेंट्स एट डिफरेंट लेवल इज आल्सो नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बेसिकली फेडरल डिवीजन ऑफ पावर का अगर एक्सप्लेनेशन आता है कि व्हाट इज कॉल्ड फेडरल डिवीजन ऑफ पावर तो इसमें हम लोग ये थर्ड पॉइंट लिख सकते हैं और उसमें हम बेसिकली यही लिखेंगे कि ऐसी कंट्रीज जहां पे गवर्नमेंट्स के डिफरेंट लेवल्स होते हैं वहां कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लेज डाउन होता है कि किस लेवल की गवर्नमेंट के क्या पावर्स एंड फंक्शन होंगे उसको हम फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं तो इसका आंसर ये हो जाएगा थर्ड पॉइंट नेक्स्ट है हमारा द सेम प्रिंसिपल कैन बी कैन बी एक्सटेंडेड टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट लोअर देन द लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट हम लोग ऑलरेडी अभी डिस्कस कर चुके हैं लोअर देन द स्टेट गवर्नमेंट क्या आती है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आती है पंचायत्स एंड म्यूनिसपैलिटीज आती हैं, सच एज म्यूनिसिपैलिटीज एंड पंचायत सच डिवीजन ऑफ पावर्स इन्वॉल्विंग इन्वॉल्विंग हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट आर कॉल्ड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर तो हम लोगों ने जो पहला पढ़ा था फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग मीन्स वेर इन यू नो पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट अब इसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा पावर इज शेयर डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज वर्टिकल डिविजन ऑफ पावर तो आप लोग इसे याद रखिए वन मार्कर काफी इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन और आ सकता है डिफरेंशिएट बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग ये भी थ्री मार्क्स में आ सकता है या ये दोनों अलग अलग भी आ सकता है जैसे हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि डिस्कस और एक्सप्लेन हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग एंड गिव ऑन एग्जाम्पल तो चाहे हॉरिजेंटल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग हो चाहे पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट हो इन दोनों का एग्जाम्पल होगा इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका नाउ विल मूव टू थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच इज पावर इज शेयरेंट सोशल ग्रुप्स इन अ कंट्री आइए देखते हैं थर्ड इज थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग इज पावर इज शेयर अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन अ कंट्री ये जो जैसा कि याद आ गया ना आप लोगों को कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम वाला राइट right? तो ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं किसी भी कंट्री में किस बेसिस पे इनका डिवीज़न होता है हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स कौन कौन से बेल्जियम का एग्जाम्पल लेते हैं बेल्जियम में हम लोगों ने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज ये जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर हो सकता है तो आई डिटेल में देखते हैं इसे है ना सो पावर कैन ऑल्सो बी शेयर डिफरेंट सोशल ग्रुप्स सच एज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट आप लोग इसे प्लीज ध्यान से समझिए कि इक्वेशन जैसे आएगा कि एक्सप्लेन द मेजर फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विद एग्जाम्पल तो एग्जाम्पल जैसे पहले का हॉरिजेंटल का या वर्टिकल का यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इंडिया हो गया और जो थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग है पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स उसका बेस्ट एग्जाम्पल बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट है राइट नाउ इन सम्रीज इन सम्रीज देर आर स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेन्जमेंट वेयर बाय सोशली सोशली वीकर सेक्शन एंड विमेन आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन हम अपनी बात करते हैं इंडिया इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है हमारे यहां शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए न केवल लेजिस्लेचर न केवल लेजिस्लेचर बट इवन इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी गवर्नमेंट जॉब्स में भी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व है एंड इवन इन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उनके लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं राइट जैसे हम अगर पार्लियामेंट लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 84 सीट्स रिजर्व हैं उन सीट्स पर केवल शेड्यूल कास्ट के लोग ही इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर सकते हैं कोई जनरल कास्ट का कैंडिडेट नहीं कर सकता एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 47 सीट्स रिजर्व हैं लोकसभा में जो इलेक्शन होता है उसके लिए राइट right? एंड अभी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स यानी पंचायत्स में एंड म्युनिसिपैलिटीज में विमेन के लिए सीट्स रिजर्व हो गई हैं जिसमें 1/3 ऑफ टोटल सीट्स यानी 33.3% सीट्स पे टोटल सीट्स का विमेन के लिए रिजर्व्ड है बट अभी लोकसभा बेसिकली पार्लियामेंट एंड जो स्टेट लेजि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं उसके लिए बिल इंट्रोड्यूस हुआ है बट अभी लॉ नहीं बन पाया है कि भाई टोटल सीट्स का वन थर्ड विमेन के लिए प्रपोजल है अभी पास नहीं हो पाया है लोकसभा में या अभी पार्लियामेंट में पास होकर के लॉ नहीं बन पाया है आइए आगे देखते हैं सो so, बेसिकली हम लोगों लोग ने क्या बातचीत की हम लोगों ने बेसिकली ये बातचीत करी कि वीमेन के लिए शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए सीट्स रिजर्व होती है लेजिस्लेचर में और एडमिनिस्ट्रेशन में राइट right? ताकि उनका भी वो भी प्रोग्रेस कर सकें और जो अदर सिटीजन्स हैं कंट्री के उनके बराबर आ सकें है ना उनको हेल्प की जरूरत होती है आर रिप्रेजेंटेड इन द लेजिस्लेचर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द सिस्टम ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असेंबलीज एंड पार्लियामेंट ऑफ कंट्री <clears throat> आप लोग अगर जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के इलेक्शन होते हैं म्यूनिसपैलिटीज के या जब पंचायत के इलेक्शन होते हैं जो मेरे साथी रूरल एरिया के हैं तो कभी कभी देखते हैं जो आ, प्रधान बनते हैं विलेजेस में वो नेताजी की वाइफ होती हैं या कभी कभी जो वार्ड्स होते हैं म्यूनिसपैलिटी के इलेक्शन में जो वार्ड्स होते हैं वार्ड्स में वो सीट्स विमेन के लिए रिजर्व होती हैं हालांकि कैंपेन में तो नेताजी ही सारा खून पसीना बहाते हैं हालांकि सीट वो नेताजी के नाम से रिज, रिजर्व होती है राइट चलिए और ज्यादातर उस का जो काम धाम होता है नेताजी संभालते हैं एंड uh, मैं नहीं कर रहा कि सारा ऐसा ही होता है बट uh, ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि ऐसी सीट्स पे नेताजी सारा काम धाम संभालते हैं uh, मैडम का केवल सिग्नेचर चाहिए होता है आइए देखते हैं सो so, नेक्स्ट है हमारा कि वाई रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज रिजर्व होती हैं स्टेट लेजिस्टेटिव असेंबलीज की या पार्लियामेंट की ये रिजर्व कॉन्स्टिट्युएंसीज की जरूरत वाई डू वी नीड रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो शेड्यूल ट्राइब्स हो या वीमेन के लिए क्यों जरूरत है उसके आइए ऑफ अरेंजमेंट इज द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन मतलब गवर्नमेंट जॉब्स में पर्टिकुलर सीट्स रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट के लिए शेड्यूल ट्राइब्स के लिए एंड वीमेन के लिए टू डाइवर्स सोशल ग्रुप्स हु अदरवाइज वुड फील एलियनेटेड फ्रॉम द गवर्नमेंट श्रीलंका वाला तो बेसिकली सो दैट जो वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं या जो माइनॉरिटीज हैं उनको ऐसा ना लगे कि ये गवर्नमेंट उनकी नहीं है या गवर्नमेंट उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है जैसा कि श्रीलंका में लोगों को लगा था हमारे यहाँ तो बहुत अच्छी व्यवस्था है भाई सबके लिए यू नो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसीज है ताकि वो पर्टिकुलर चाहे वे वेमेन हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइब्स हो वो पार्लियामेंट में पहुंच सकें एडमिनिस्ट्रेशन में पहुंच सकें और उस पर्टिकुलर ग्रुप की या कम्युनिटी की प्रॉब्लम को के, को सॉल्व करने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके या उसको दूर कर सके दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटीज अ फेयर शेयर इन पावर तो अगर क्वेश्चन आता है मार्कर क्वेश्चन आया भी है प्रीवियस ईयर में अगर क्वेश्चन आता है वाई इज देयर अरेंजमेंट ऑफ रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी इन आर कॉन्स्टिट्यूशन तो उसके आंसर में हम लोग ये दोनों पॉइंट्स लिख सकते हैं कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में और लेजिस्लेचर में जो रिजर्वेशन मिली है शेड्यूल कास्ट को शेड्यूल ट्राइब्स को या वेमेन को वो इसलिए बहुत जरूरी है सो so दैट वो अपने आप को एलिनेटेड फील ना करें नाउ विल मूव टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग विच टॉक्स अबाउट पावर शेयर अमंग पोलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स या इंटरेस्ट ग्रुप्स भी बोल सकते हैं आप लोग एंड मूवमेंट्स आइए समझते हैं तो सबसे पहले हम समझेंगे पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी अमंग पॉलिटिकल पार्टीज तो पहले पॉलिटिकल पार्टीज का समझते हैं पिछले कुछ दशकों से पिछले कुछ डिकेट से क्या हो रहा है कि, कि, कि किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को न तो सेंटर में और न ही स्टेट में किसी एक पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती गवर्नमेंट बनाने के लिए फॉर्म करने के लिए तो क्या हुआ इन पॉलिटिकल पार्टीज ने एक नया तरीका निकाला ये लोग करते क्या है कि इलेक्शन से पहले ही कई पॉलिटिकल पार्टीज आपस में अलायंस बना लेते हैं। जैसे कि हमारे यहां दो अलायंस काफी मशहूर हैं आप लोगों ने न्यूज अगर सुनते हो गए या अखबार पढ़ते हो गए तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा एन मोदी जी वाली जिसके जिसका लीडरशिप बीजेपी करती है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस जिसमें ट्वेंटी 26... सिक्स नहीं एनडीए में थर्टी एट पोलिटिकल पार्टीज हैं ये देखिए इसे हिंदी में बोलते हैं हिंदी आ, चले पहले इंग्लिश देखते हैं एन डी एन डी ए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें इस समय थर्टी एट पोलिटिकल पार्टीज हैं ये थर्टी एट पोलिटिकल पार्टीज का एसोसिएशन है एनडीए और दूसरा कौन सा मेजर अलायंस है यूपीए यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसकी लीडरशिप कांग्रेस करती है और इसमें इस समय ट्वेंटी सिक्स पोलिटिकल पार्टीज हैं यूपीए इसमें इस समय ट्वेंटी सिक्स पोलिटिकल पार्टीज हैं और यूपीए ने अभी अपना यूपीए ने एक यूपीए में जितने पोलिटिकल पार्टीज़ थे उन्होंने एक अपने आप को एक नया यूपीए को एक नया नाम दिया है और नया नाम है इंडिया इंडिया अभी इसका नाम हो गया इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस यानी यूपीए अब इंडिया बन चुका है राइट right? ये जुलाई 2023 की डेवलपमेंट है आइए हम समझते हैं तो इस तरीके से क्या होता है कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बिफोर इलेक्शन से क्या करती हैं अलायंस बना लेती हैं और जब ये पर्टिकुलर अलायंस जैसे कि अब देखिए एनडीए का जो अलायंस था 2014 में यानी 2014 में इलेक्शन लोकसभा में मेजोरिटी मिली तो मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने फिर उसके बाद 2014 के बाद 2019 में फिर एनडीए जीत गया फिर प्राइम uh, मिनिस्टर uh, बने मोदी जी राइट अब देखिए फिर 2024 का इलेक्शन होने वाला है तो ये दोनों जो अलायंसेज हैं दो मेजर अलायंसेज हैं हमारी कंट्री में एनडीए एंड यूपीए यूपीए हैज बिकम नाउ इंडिया राइट अब हम देखते हैं सो पावर शेयरिंग अरेंजमेंट्स कैन आल्सो बी सीन अमंग पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स लेकिन अभी हम लोग ना केवल पोलिटिकल पार्टीज की बात करें इन अ डेमोक्रेसी द दिटीजन मस्ट है फ्रीडम टू चूज अमंग वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स अब डू मीन वेरियस फॉर पावर वेरियस कंटेंडर्स फॉर पावर्स मतलब होता है कि हमारे पास वी हैव सो मैनी पोलिटिकल पार्टीज अगर आप लोग देखें चाहे स्टेट में देखें चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन में देखें ढेर सारी पोलिटिकल पार्टीज होती हैं और हर पोलिटिकल प्राउड पार्टी किसी एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी या पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है राइट आप लोग इंटरनेट पे जाके पढ़ें कि कौन सी एक नेशनल लेवल पार्टी का पढ़ें और दो लोकल या दो रीजनल लेवल पार्टीज के बारे में पढ़ें कि वो किस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं या किस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करती हैं और उनकी आइडियोलॉजी क्या है और उसको आ, आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके स्टेट की कौन सी दो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उनकी आइडियोलॉजी क्या है और वो किस सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करती हैं राइट अब हम देखते हैं सो वेरियस कैंडिडेट्स फॉर पावर इन कंटेम्प्रेरी डेमोक्रेसी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ कॉम्पिटिशन अमंग डिफरेंट पार्टीज ये जो डिफिक डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अलग अलग सोशल ग्रुप्स की जो इश्यूज होते हैं जैसे मेन के इश्यूज हो सकते हैं फार्मर्स के इश्यूज हो सकते हैं राइट right? उनको वो प्रॉमिस करती हैं कि आप हमें पावर में लाइए वोट दे करके वी विल सॉल्व दो इश्यूज सच कॉम्पिटिशन इंश्योर्स दैट पावर डजेंट रिमेन इन वन हैंड तो अब किसी सिंगल पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी मिलती नहीं चाहे स्टेट लेवल के इलेक्शन हो चाहे नेशनल लेवल के इलेक्शन हो तो क्या हो गया पावर शेयरिंग तो हो ही रही है ना अमंग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज राइट इन द लॉन्ग रन इन द लॉन्ग रन पावर इज शेयर डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज अब देख लीजिए ना जैसे हम लोगों ने देखा यूपीए में ट्वेंटी सिक्स अब टू थाउजेंड टू थाउजेंड फोर में यूपीए गवर्नमेंट पावर में थी टू थाउजेंड फोर से लेकर फिर टू थाउजेंड नाइन में टू थाउजेंड फोर और टू थाउजेंड नाइन दोनों में यूपीए थी पावर में राइट right? तो ढेर सारे पोलिटिकल पार्टीज ने मिलकर के यूपीए बनाया था उसी तरह आप एनडीए देख लीजिए एनडीए में वी हैव थर्टी एट पोलिटिकल पार्टीज तो आपको क्या लगता है कि अगर इलेक्शन एनडीए जीतती है तो जितने भी पोलिटिकल पार्टीज के एम हैं तो कहीं ना कहीं पावर शेयरिंग तो हो ही रही है ना केवल बीजेपी ही बीजेपी पार्टी से ही केवल मिनिस्टर नहीं बनाया जा सकता ना क्योंकि जो अदर पार्टीज हैं उनके वो, उनको भी उनके साथ भी बीजेपी को पावर तो शेयर करना ही पड़ेगा राइट right? क्योंकि वो वो जो जिस पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं या जिस पर्टिकुलर सोशल ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं उन्होंने एट द टाइम ऑफ इलेक्शन प्रॉमिस किया होगा कि भाई हम आपकी इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे तो उनको गवर्नमेंट में मिनिस्टर तो बनाना ही पड़ेगा सो दैट जो प्रॉमिस करके आए हैं एट द टाइम ऑफ इलेक्शन उसको फुलफिल कर सकें उसको पूरा कर सकें या उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम उस पर्टिकुलर रीजन की उस पर्टिकुलर एरिया की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड सी वॉट ऑल इज देयर इन दैट स्लाइड नाउ नेक्स्ट इज सो बेसिकली पोलिटिकल पार्टीज का हो गया जैसे हम लोगों ने समझा कि क्या करते हैं डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज मिल करके अलायंस बनाती है और वो जो पर्टिकुलर पर्टिकुलर अलायंस इलेक्शन विन करता है तो फिर हर पोलिटिकल पार्टीज के साथ हर पोलिटिकल पार्टी से लेकर के कुछ न कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाता है यानी पावर शेयर किया जाता है ना दूसरा वी विल स्टडी अबाउट प्रेशर ग्रुप्स प्रेशर ग्रुप्स आर ऑल्सो तो नोन एज इंटरेस्ट ग्रुप्स वो पर्टिकुलर ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं जैसे डॉक्टर्स का एसोसिएशन हो गया ट्रेडर्स का एसोसिएशन हो गया टीचर्स का एसोसिएशन हो गया ये इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं वो पर्टिकुलर उस ग्रुप के इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं जैसे फार्मर्स का एसोसिएशन हो सकता है समटाइम दिस काइंड ऑफ शेयरिंग कैन बी डायरेक्ट वेन टू और हाँ ये हम लोग मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया वेन टू आर मोर पोलिटिकल पार्टीज फॉर्म एन अलायंस टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन हम लोगों ने अलायंस का एग्जाम्पल देख लिया यूपीए एंड एनडीए हम लोगों ने ऑलरेडी देख लिया राइट right? अगर यूपीए अब जैसे टू जीरो टू फोर का जो इलेक्शन होगा लोकसभा वाला अगर उसमें यूपीए पावर में आती है तो जो यूपीए के साथ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं हालांकि यूपीए का नाम अब इंडिया हो चुका है उन लोगों ने इंडिया रखा है सारी जो ट्वेंटी सिक्स पोलिटिकल पार्टीज हैं तो हर पार्टी से कुछ न कुछ लोगों को मिनिस्टर बनाया जाएगा राइट पावर शेयर किया जाएगा क्या वो इफ देयर अलायंस इज इलेक्टेड दे फॉर्म अ क्वालिशन गवर्नमेंट अब कॉलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है दे फॉर्म कॉलिशन गवर्नमेंट शेयर पर गवर्नमेंट क्या होता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट में एक ना कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है क्योंकि अलग अलग पोलिटिकल पार्टीज ने अलग 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 सेक्शन ऑफ सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो प्रोमिस वो इलेक्शन के टाइम पे कर करके आए हैं अपने एरिया के लोगों से उसको फुलफिल करने के लिए एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनता है एंड उस पर्टिकुलर पार्टीज के लोगों को मिनिस्टर भी बनाया जाता है इस तरीके से पावर शेयर किया जाता है नाउ अब वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंटरेस्ट ग्रुप्स इन अ डेमोक्रेसी वी फाइंड इंटरेस्ट ग्रुप दो ने ट्रेडर्स ये आप लोगों ने जरूर सुनागा कि ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल हो गई ट्रेडर्स ने शॉप न खोलने का फैसला लिया है किसी पर्टिकुलर गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर ऑर्डिनेंस uh, या किसी पर्टिकुलर लॉ के खिलाफ ट्रेडर्स हड़ताल करते हैं स्ट्राइक करते हैं कि अब वो शॉप्स को नहीं खोलेंगे है ना ट्रेडर्स का एसोसिएशन आप लोगों ने देखा होगा बिजनेसमैन का एसोसिएशन होता है इंडस्ट्रियलिस्ट का एसोसिएशन होता है इंटरेस्ट ग्रुप्स होता है फार्मर्स का एसोसिएशन हो सकता है और सबसे पहले हम लोगों ने अगर अगर हम थोड़ा सा याद करें आप लोगों ने बैंक स्ट्राइक के बारे में जरूर सुना होगा या उसकी वजह से हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आपने फेस करी हो आपने रेलवे स्ट्राइक की वजह से हो सकता है कभी कभी आपने प्रॉब्लम महसूस करी हो या सुना हो तो ये जो इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं उस पर्टिकुलर एसोसिएशन या ग्रुप के लिए काम करते हैं या तो ये कैसे काम करते हैं या कैसे इस इंटरेस्ट को सिक्योर करते हैं दे ऑल्सो विल हैव दे ऑल्सो विल हैव अ शेयर इन गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल पावर कैसे इधर थ्रू पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंटल कमेटीज गवर्नमेंट की डिफरेंट कमेटीज बनती हैं क्योंकि राइट right? और ब्रिंगिंग इन्फ्लुएंस ऑन द डिसीजन मेकिंग ये डिसीजन मेकिंग में कैसे इन्फ्लुएंस लाती हैं ये जो एसोसिएशन होते हैं इनसे प्रामिसस करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि अगर फॉर एग्जांपल कि जैसे हम देख रहे हैं डॉक्टर्स का एसोसिएशन होता है डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाते हैं क्योंकि कई बार हम लोग इम्पेश हो जाते हैं और हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की पिटाई कर देते हैं तो जो डॉक्टर्स का एसोसिएशन डिमांड करता है कि भाई जो डॉक्टर्स पे हाथ उठाते हैं डॉक्टर्स के साथ मारपीट करते हैं उनके साथ स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल एक्शन लिया जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज एट द टाइम ऑफ इलेक्शन ये प्रॉमिस करते हैं कि भाई हम सिक्योर करेंगे कि डॉक्टर के ऊपर कोई हाथ ना उठाया जो डॉक्टर्स है ना इस तरह का कुछ ना हो तो जो पोलिटिकल पार्टी इस तरह का प्रॉमिस करती है अश्योर करती है कि इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप्स को उसी पोलिटिकल पार्टी को ये लोग जिनका इनको मैनिफेस्टो पसंद आता है या जो इन ये जो वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स होते हैं इन इंटरेस्ट ग्रुप्स को जिस पॉलिटिकल पार्टी पे भरोसा होता है उसको वोट वोट देते हैं तो जाहिर सी बात है जब गवर्नमेंट बनेगी उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की तो उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट ग्रुप की जो इश्यूज हैं उस पर उसको सॉल्व करने का काम तो वो करेगी ही करेगी तो इस तरीके से हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशर ग्रुप्स भी समझा और हम लोगों ने आ, बेसिकली आज चैप्टर वन पावर शेयरिंग को खत्म कर लिया है एंड ये जो हमने अलग अलग कलर्स यूज किए हैं ये पॉइंट्स हाईलाइटेड हैं आप लोगों को नोट्स भी पीडीएफ के फॉर्म में आ, उसका लिंक मिल जाएगा आप लोग वहां से ले सकते हैं एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपनी ओपिनियन जरूर शेयर करें एंड आज के लिए इतना ही थैंक यू सो मच